डॉली चलो घूमी घूमी, चलो चलो चलो। हरिओम, मैं अपने घर में पहुंच गया हूं और देखिए डॉली इस खीरे के लिए बहुत उतावली हो गई है। चेरी भी इन दोनों का फेवरेट है खीरा। चेरी गुड गर्ल। डॉली देखिए जो डॉली है वो डॉली खीरे को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। हस्की बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है, इनको डेली वॉक करवाने की ज़रूरत पड़ती है। हम तो खुली छोड़ देते हैं, यहाँ पे चोरी करने का डर नहीं है, 2.5 साल की हो गई है ना डॉलू से। ये देखिए पीछे वो चुपचाप बैठ गया, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट देखिए आप। डॉलू ओए, ये देखिए दोस्तों इसकी आईज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, स्काई ब्लू कलर की। डॉली चेरी ये तो पूरा लेगी। पकड़ो, पकड़ी नहीं जा रही आप लोगों से। चेरी ने डंडा उठा लिया है और ये दोनों डंडे के लिए लड़ रही हैं अभी। देखिए चेरी पकड़ पकड़ ओ। चलो अरे डॉली सीख गई। डॉली सिट गुड गर्ल, कैच वो कैच कर गई। चेरी कैच, इतनी ज्यादा फ्रेंडली है, देखो ऐसे पकड़ते रहते हैं ये इसको, और देखो कैसी हालत कर दी है डॉली की इन्होंने। लेकिन डॉली किसी को कुछ नहीं कहती, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ये बहुत। लेकिन चेरी का कई बार मूड खराब होता है तो दांत नहीं लगाती, बस वार्न कर देती है, वो डराती है कई बार। लेकिन ये तो वार्न भी नहीं करती, इसको चाहे जैसे पकड़ो। चलो डॉली चलो नीचे, डॉली चलो नीचे, चलो 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 नीचे, बाद में लाएंगे। अरे चलो अंदर, चलो चेरी डॉली बाय बाय, घूमी घूमी। अरे चलो अंदर, चलो अंदर। हरिओम, तो ये मेरे पीछे पशुशाला है, यहाँ पे मैंने इनके पास भेड़ पालकों से एक बकरी का बच्चा दिलवाया था, तो अभी देखते हैं कितना बड़ा हो गया है वो। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसको बाहर नहीं निकाल सकते, खुला है अंदर ये। और ये एक गाय और उसकी बच्चियाँ साथ में यहाँ पे, अभी खाद ये खेतों में ले जाएंगे थोड़ी देर बाद। और ये है देखिए, देखिए इसके कान कितने लंबे लंबे हैं और बहुत बढ़िया है। ये देखो जो राजमाइश कर रहा है, बहुत ही प्यारा है दोस्तों, गद्दी नस्ल का है ये। मैं अभी ईवा के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, जो तिब्बतन मैस्टिफ फीमेल है। अभी इसको चराने के लिए लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद, बाहर तूफान है तो मैं भी चलता हूँ जल्दी से। तो अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे ऑयल डलवाने के लिए, लेकिन तूफान बहुत ज़्यादा है और 400 रुपये का भी पेट्रोल डल रहा है। कितने रुपये लीटर होगा? 104.57 पैसे हो गया है पेट्रोल यहाँ पे, मान दे रही है। और कल मुझे बाइक भी दिलवानी पड़ेगी, जा रही है इधर।
ईवा तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। आपने रास्ता देखा, हमने बिस्किट ले लिया है ईवा के लिए, कुत्तों को खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन इतने महीनों बाद उससे मिलने जा रहा हूं तो कुछ और था ही नहीं शॉप में, तो मैंने ले लिया। पूरा नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे उसको खाने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे। बरसात में मैं जब आया था बाइक लेके, तब मेरी अपनी बाइक नहीं थी, किसी और की थी, तो खड्ड पार करनी पड़ी थी बाइक पे बैठ के। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये रोड पहले से ही कच्चे हैं, ऊपर से फिर स्लिपरी हो जाते हैं, चिकनी मिट्टी हो जाती है। ये देखिए, ये वो खड्ड है, यहाँ से मैंने क्रॉस की थी। हमारी ईवा भी दोस्तों देखिए सामने ही है। ईवा, गुड गर्ल। When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has stopped. Ibu, hey, good girl. मुझे आप लोग वहाँ से डायरेक्ट बुर्के खाने पे। Ibu. Hey, good girl. Ibu. अभी इसके बाल झड़ रहे हैं देखिए गर्मियों में। ईबू, गुड गर्ल, गुड गर्ल। ओए ईबा, हो इतनी ज़्यादा हेल्थी है, मोटी है, फिर भी इतनी एक्टिव है, देखिए। चलो, अभी बहुत खुश हो गई है ये। और नीचे देखिए, गेहूं लगाई थी वो काट दी है। यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं होती है और अभी हवा चल रही है, देखिए वहाँ पे बैठ गई। ये देखिए इसके बाल कैसे उड़ रहे हैं हवा से। चलो काम। अभी अपने हाथ से खिलाऊंगा मैं इसको। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्टली खाती है। ये देखिए, मतलब पूरा शेर ही लग रहा है दोस्तों। ये इसके बाल झड़ गए हैं, फिर भी अभी इतने बाल हैं, सर्दियों में तो बहुत भयंकर लगेगी ये। और वहाँ पे नीचे गाय चर रही है, देखिए सुंदर जगह है और एकांत में है, गांव नहीं है, बस एक घर यहाँ है, दो तीन घर थोड़े दूर जाके है, तो इसके लिए ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, मस्त रहती है यहाँ पे। सुबह के 9:45 हो गए हैं और रात को मैंने वीडियो एडिट नहीं की, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट जब मैं 3 बजे थे तब एडिट करने को रह गया था, फिर बाकी सो गए थे, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब क्यों करना औरों को। तो अभी सुबह एडिट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।